नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित तिवारी, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, लीडरशिप मास्टर एंड ट्रेनर। सेवन डेज सेल्स सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम आपको ए टू जेड मतलब बेसिक एंड एडवांस लेवल की हम सेल्स स्किल आपको सिखाने वाले हैं। अगर आप सेल्स इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हो, अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, तो क्या क्या चीजें आपको याद रखना जरूरी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना चाहिए, दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस सेवन डेज सेल्स सीरीज के अंदर। आज इस एपिसोड में हम डीपली जानेंगे सेल्स है क्या, वो सेल्स जिसे लाखों लोग गालियां देते हैं, वो सेल्स जिसे लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए सैलरी उठाते हैं, वो सेल्स, मैं उसी सेल्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। हां, सेल्स वही इंडस्ट्री है, वही प्रोफेशन है, वही काम है जिस काम में आप जॉब करते हुए भी उस कंपनी के मालिक होते हैं, जिस सेल्स के लिए, सेल्स करने के लिए जो लोगों की हायरिंग होती है किसी भी कंपनी में सबसे पहले होती है, और कंपनी जब बंद भी होती है, प्लांट बंद भी करते हैं लोग, सबसे बाद में सेल्समैन की रिजाइनेशन होता है। दोस्तों सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाने वाला प्रोफेशन है। सेल्स एक ऐसी स्किल है जो दुनिया की सबसे बड़ी स्किल है। सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, इस पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग आज बड़ी बड़ी कंपनियां रन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, 95% लोग सेल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। जो आप बोल रहे हो वो सेल्स है, जो मैं बोल रहा हूं वो सेल्स है, जो मैं बातें कर रहा हूं वो सेल्स है। जब आप किसी इंसान से बातें करते हो, किसी चीज को आप इंडिकेट कर रहे होते हैं, वो सब कुछ सेल्स है। कहीं भी आप इंटरव्यू देते हो, आप अपनी क्वालिटी, अपना टैलेंट, हर चीज के बारे में बात करते हो, आप बताते हो कि आपको अपनी कंपनी में मुझे क्यों रखना चाहिए, मैं आपकी कंपनी के लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे इतनी सैलरी क्यों दोगे। आप अपने आप को सेल करते हो एक महीने के लिए, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे, आप अपनी क्वालिटी टैलेंट को सेल कर रहे हो, अपने आप को सेल कर रहे हो, अपने टाइम को सेल कर रहे हो, आप जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, अपने आप को सेल कर रहे हैं। आप एक टीचर है, आप अगर किसी को पढ़ा रहे हैं, अपनी नॉलेज को आप सेल कर रहे हैं, अपने टाइम को आप सेल कर रहे हैं दोस्त, जिसके बदले में कुछ ना कुछ आपको सैलरी मिलती है। आपने ये बाल कहां से कटवाया, कोई इंसान आपसे पूछा सर आपने बाल कहां से कटवाया, और आपने उसकी दुकान बता दी, सेल्स कर रहे हो सर। दोस्तों सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके डिजायर के अकॉर्डिंग पैसा देती है, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग पैसा देती है। दोस्तों सेल्स 100% प्रोफेशनल लोगों का कार्य है, 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है, 100% प्रोफेशनल लोगों का ये पैशन है सेल्स। लेकिन ये कुछ चोरी चिन्नी लोग सेल्स को करने का प्रयास करते हैं, उस तरीके से करते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है बदनाम करते हैं। सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जो रिजेक्शन वाली इंडस्ट्री है, जहां पे रिजेक्शन बहुत सारे होते हैं, सबसे ज्यादा रिजेक्शन सेल्स में आता है। दोस्तों सेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एक हां सुनने के लिए 9 ना सुनना पड़ता है, एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 9 लोगों से मिलना होता है, कम से कम 10 लोगों से मिलेंगे तो आप एक प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे, 9 लोग आपको ना बोलेंगे, जो लाभ एवरेज पे चलती है, हर एक चीज लाभ एवरेज पे चलती है। लेकिन जब बात सेल्स की आती है, हम निगेटिव हो जाते हैं, मुझे लगता है रिजेक्शन है, हाँ रिजेक्शन है, इस जॉब में रिजेक्शन है। लेकिन आपको ये बातें समझनी है कि रिजेक्शन इज नॉट ए ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं है, रिजेक्शन का मतलब वो कंफ्यूजन में है, रिजेक्शन का मतलब वो इंसान एक सही बंदे की तलाश कर रहा है जो ट्रस्टेबल हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, जो ट्रस्ट करने के लायक हो, जो उसका धोखाधड़ी ना करे, वो अच्छे इंसान से मिलना चाहता है। दोस्तों आपने इस पूरे वीडियो में आपने समझा कि आखिर सेल्स क्या है,
आगे हम समझेंगे सेल्स करने के लिए क्या क्या चीजें मुझे करना चाहिए, सेल्स को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, सेल्स में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, सेल्स को एक्चुअल में हम कैसे उसका यूज करके सेल्स प्रोसेसर में कैसे हम लाखों रुपए की सैलरी उठा सकते हैं, कैसे हम लाखों रुपए का इंसेंटिव सेल्स में बना सकते हैं, डिटेल में बात करूंगा, 7 डेज सीरीज के अंदर है, इसलिए मैं टॉपिक पे टॉपिक बात कर रहा हूं। आज मैंने बात किया सेल्स के ऊपर, सेल्स के बारे में और आप क्या कहना चाहते हो, आपका क्या नजरिया है, क्या व्यूज है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। बाकी मिलते हैं सेकेंड स्टेप में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सेल्स में अगर आपको कामयाब होना है तो क्या क्या आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू, बेस्ट।